भारत की लड़कियां हर दिशा में अपना नाम रोशन कर रही हैं। आप किसी भी दिशा में चले जाएं, लड़कियां लड़कों के साथ कंधा मिलाकर चल रही हैं। जी हां, लड़कियों की इसी सूची में एक नाम शामिल है, मैत्री पटेल का। मैत्री पटेल गुजरात के सूरत से संबंध रखती हैं। उनकी उम्र अभी 19 साल है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बड़े मकाम को हासिल किया। मैत्री पटेल भारत की सबसे कम उम्र की कमर्शियल प्लेन पायलट बन चुकी हैं। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद मैत्री के चर्चे हर जगह देखने और सुनने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैत्री पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बचपन से ही मैत्री ने पायलट बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। जी हां, अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग मैत्री ने पूरी की। मैत्री ने 18 महीने की ट्रेनिंग को केवल 11 महीने में खत्म कर दिया, जिसके बाद कमर्शियल पायलट का उन्हें लाइसेंस मिल गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैत्री पटेल हैं कौन, साथ ही जानेंगे उनके शुरू से लेके अब तक के सफर को। मैत्री बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई मिटास एडवेंटिस्ट स्कूल से पूरी की। 12वीं पास करने के बाद मैत्री पूरी तरह से पायलट की ट्रेनिंग में जुट गईं। मैत्री पटेल के पिता के बारे में बात करें तो वे एक किसान हैं और इसके साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सूरत में काम भी करते हैं। इसके अलावा मैत्री पटेल की माँ सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं। मैत्री पटेल जब 8 साल की थी तो उन्होंने एरोप्लेन को देखा और तभी से उनका सपना पायलट बनने का हो गया और आखिरकार उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया और वर्तमान में हम सबके बीच एक पायलट के रूप में आ गई। मैत्री के पिता का नाम कांतिलाल पटेल है। उन्होंने कभी भी मैत्री को बड़े सपने को देखने से मना नहीं किया। मैत्री को फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए मैत्री के पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी। अब मैत्री पटेल ने अपने पायलट बनने के सपने को पूरा कर अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। वे बोइंग विमान उड़ाना चाहती थी और इसके लिए जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। दिल में अगर जज्बा हो तो बड़े से बड़ा काम अपने आप छोटा दिखाई देने लगता है और उसे पूरा करने की भी एक आस मन में जग उठती है, जिसके चलते हर इंसान अपने सपने को पा सकता है।